इसके अलावा और भी दुआएं हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये भी एक दुआ याद कर लें, और भी दुआएं पढ़ी जा सकती हैं। ये तमाम करें सुबह कलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमको पढ़ना है, और फिर करने के लिए तो वहाँ के लिए अस्सलातु अस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह आते हैं। जो भी दरूद जो मासूर दरूद है वो पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अस्कार नमाज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैं वहीद साहब और हमारे साथी हज कमेटी के मेंबर आरिफ साहब और असिस्टेंट डीओ इरफान साहब और मौलाना मुफ्ती आसिफुद्दीन नबी साहब और मिजमाउद्दीन कश्मीर साहब और मेरे प्रधान मशीन माँ और भाइयों को जितने अजीन साल में बैठे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा फोर्थ हज कैंप था, लेकिन मैं गुज़श्ता तीन हज कैंपों में आ नहीं सका क्योंकि थोड़े बहुत पोलिटिकल उससे मसरूफियात में थोड़ा बिजी हो गया था। मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को मुबारकबाद इस वजह से देता हूँ कि माशाल्लाह से इस बार 13,000 एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, उसमें से आप लोग खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह ताला अपने घर का मेहमान बनाया आप लोगों को, आप लोगों को सेलेक्ट किए गए, मैं उसके लिए आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और रही दूसरी चीज़, माशाल्लाह से खासकर हमारे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी तकलीफ या कोई भी ऐसा आपको इंफॉर्मेशन है या कोई अगर आपको किसी के तालुक से कोई भी चीज़ अगर आपको हेल्प होना है, मैं हमारी हज कमेटी के मेंबर्स और हमारे ऑफिसर्स हमारा पूरा स्टाफ आपके साथ है। मैं कोई हज कमेटी का चेयरमैन नहीं, मैं आप लोगों का खादिम हूँ। खादिम की हैसियत से आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग कभी भी हमारे से रब्ता कर सकते हैं, खासकर हमारे हज हाउस में या कोई भी ऐसी चीज़ से। अब रही बात की बात, इंशाल्लाह ताला आते सो महीने में जो कि मई का महीना रहेगा उसके अंदर हम रुबा की आज़ादी करेंगे। और मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि खासकर जितने भी लोग वेटिंग में हैं या आपके दोस्त अहबाब या रिश्तेदार या महल्ले में जो भी है, आप लोग बोलो उनको भी ये तरबियती कैंपों की दावत दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्लाह का कलाम और ख़ासकर अरकान जितने भी बड़े बड़े उलमाएँ आपको खाली टाइम पे लोग मिलते नहीं हैं या कोई चीज़ शर्मा पूछने के लिए खासकर अपने कौम के लोग शर्माते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ की नॉलेज मिलना है या कोई चीज़ पूछना भी है तो डरते हैं, अरे भाई पूछे तो क्या होता या शर्माते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ऐसे महफिलों में अगर आप आकर अटेंड करें तो माशाल्लाह से हर वो चीज़ की आप लोगों को नॉलेज या कोई भी चीज़ आप भी किसी को बताने के काबिल बन सकते हैं। और एक चीज़ की मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम से अगर आप जब भी आते तो हज कैंपों में आएंगे तो खासकर अपनी एक नोटबुक या पेन लिख के आइए, क्योंकि बात इंपॉर्टेंट ऐसे चीज़ होते हैं जैसा कि मेरे को बचपन में हमारे मौलवी साहब आकर सिखाते थे कि अली दे जैसे, उसके बाद मैं कुरान भी कंप्लीट करा लेकिन दूसरे मौलवी साहब से हुआ मैं उनका चेहरा भी भूल गया, लेकिन जो मेरे को अली दे जैसे पढ़ाए हैं मैं उनको आज तक नहीं भूला। तो ऐसे कई चीज़ रहते हैं वहाँ पे हरम में जाने के बाद हज के दौरान ये सब चीज़ याद आते हैं, तो अपन की किताब भी अगर रखी है तो अपन किसी को वहाँ हेल्प भी कर सकते हैं। और मैं भी मुफ्ती साहब से बात बोलना चाहता हूँ कि खादिमुल हुज्जाज के तरफ से जो चीज़ अभी बताई गए हैं माशाल्लाह, जितने हमारे खादिमुल हुज्जाज है ये आप लोगों के साथ है और ये लोग माशाल्लाह से पूरी चीज़ ये लोग जानते हैं, पूरे अरकान जानते हैं और ऑलरेडी ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिसमें से उनकी फिजिकल टेस्ट और दीनी मालूमात और अरकान के मालूमात ये करके जो सो उनको सेलेक्ट करके फुलंदाजी में उनको सेलेक्ट किया गया है। कोई भी ऐसी चीज़ है तो लोग आपको गाइड करने के लिए वो करते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ खादिमुल हुज्जाज के ताल्लुक से, कई लोग ये कहते हैं कि खादिमुल हुज्जाज के माने लोगों का ये गलत कॉल है कि मैं एक साल लास्ट ईयर भी मैं हज कैंप में था, ये सुनता था कि मतलब खादिमुल हुज्जाज ये नज़रिए से देखते जाते हैं कि खादिम माने हमारे खिदमत करने वाले हैं या ऐसी चीज़, बिल्कुल वैसी नहीं है, ये लोग आपको गाइड करने वाले लोग हैं। और एक जब फ्लाइट में आप 300 अपनी एक फ्लाइट में यहाँ से जाते हैं तो फिर आपको जाते वक्त भी वो खादिम आपके साथ रहते हैं, फिर रिटर्न में भी आपको जो सो वही खादिम हो जाए मिलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप किधर थे। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा हज का ये है, हमारे पास तीन सिस्टम है जैसा कि अजीज़िया है, ग्रीन है और बाद है। अब एक आदमी 200 आदमी के साथ एक खादिमुल हुज्जाज है तो अब ये तीनों जगह पे इनको डिवाइड नहीं हो सकते, इस वजह से इनको सऊदी में उतरने के बाद इनको अपनी बिल्डिंग्स इनको अपनी ड्यूटीज अलर्ट किए जाते हैं, तो उन्हों अब जहाँ पे भी उनकी ड्यूटी अलर्ट की जाती है उनके साथ रहते हैं। ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और रही दूसरी चीज़, हमारी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से तो हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह
हमेशा से नंबर वन रह चुकी है, माशाल्लाह दो साल से तो अच्छे से अच्छे हम खिदमत करते जा रहे हैं। आप लोगों से मैं दुआ का गुजारिश करूंगा कि इस बार भी हमारी हज कमेटी नंबर वन रहे, हमारा इमिग्रेशन पॉइंट नंबर वन रहे, क्योंकि हम खाली तेलंगाना ही बल्कि नहीं बल्कि आंध्रा और कर्नाटका के भी लोगों को और इस बार से महाराष्ट्र के भी लोगों हाजियाँ हमारे पास से हमारी इमिग्रेशन पहुँचे जा रहे हैं। और हमारी तेलंगाना की हज कमेटी जो है सिर्फ शमशाबाद एयरपोर्ट तक हम आपके साथ रहते हैं, हम आपकी खिदमत में रहते हैं। और रही दूसरी चीज़, वहाँ पर जाने के बाद तो पूरी सऊदी एम्बेसी के लोग हज वहाँ की जो हज कमेटी की है वो लोग वो चीज़ों को आप लोगों के साथ रहते हैं। अगर यहाँ तक में अगर आपको कोई चीज़ की तकलीफ हो या कोई ऐसी चीज़ है, हम आपकी खादिम हैं, हम आपके साथ हैं। आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है आप हमारे को बताइए। और रही वेटिंग लिस्ट के ताल्लुक से मैं सुना हूँ कि कई लोग कोई स्टाफ के मेम्बरों से उनसे बात करके कि भाई ये करा सकते, देखिए ये अल्लाह के घर के मेहमान जो है अल्लाह जिसको बुलाना है उसी को बुलाता है। अगर कोई ऐसा करके अगर कोई ऐसे पैसे पूछ रहा है, अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है तो ऐसी चीज़ों में मत जाइए। ये जो मीडिएटर लोग है या जितने भी ये मीडिएटर्स के थ्रू जाएंगे, अगर खुदा खासा अगर ऐसे काम नहीं होंगे तो उसमें खासकर अपने लोगों का जो जाने वाले हाजी है उनका भी एकदम नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को मन नहीं करिए, कोई भी ये चीज़ नहीं कर सकता है, जो भी होना है पुरानंदाजी के थ्रू होना है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और रही दूसरी चीज़, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अगस्त में आपका जो हज आने वाला है जुलाई एंडिंग में अगस्त के अरफात जो सो अगस्त 10 के दिन रहेगी, तो ये काफ़ी गर्मियों का माहौल है और गर्म है। और मैं खासकर मेरे प्रधानमंत्री महोदयों से और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेली दिन में 3 किलोमीटर चलने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि पहली बात अपन हैदराबादी है, हैदराबाद का माहौल आप सब जानते हैं, अपन हर कहीं भी जाना है तो गाड़ी यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को पैदल चलने का ही है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अकेले बोल के नहीं, अपनी फैमिली के साथ जो कि अपने हज पे जा रहे हैं, मिनिमम 1-3 किलोमीटर आप लोग चलने की आदत डाल लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ का सफ़र आसान हो जाए। और एक तो गर्मी के शिद्दत का टाइम पे है वहाँ पे हज के दौरान, और रही दूसरी चीज़ पकवान के ताल्लुक से, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 2100 रियाल आप लोगों को मिलते हैं हज के दौरान। हज को जब भी आप यहाँ से जाते हैं प्लेन में बैठने से पहले आपको 1000 रियाल दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि तो साल भी हमारे पास एक जब भी हमारा हज कैंप होता था 100 से 150 हमारे एप्लीकेशन चिट्ठियाँ ये बोल के आते थे कि आप साहब हम मस्तदी का घी लेके जा सकते क्या, साहब हम चावल की थाल लेके जा सकते, साहब हम यहाँ से तेल लेके जा सकते क्या। देखिए उससे क्या होता है, अगर खुदा ना खासा अगर आप घी की पैकेट या तेल की पैकेट ऐसी चीज़ अगर डैमेज हो गई तो आपका लगेज भी प्रॉब्लम में आने वाला है, ख़राब होने वाला है, फिर दूसरी चीज़ दूसरों का भी होने वाला है। तो लिहाजा आप हज के लिए जा रहे हैं आराम से अच्छे से इबादत करिए, और काफ़ी गर्मा का माहौल रहता है इस वजह से कि आप लेडीज़ को अगर आप पकाने की जिम्मेदारी देंगे वहाँ पे भी जाके पकाएंगे तो फिर वो लोग आपके साथ कब करेंगे, कब आप लोगों के साथ रहेंगे। तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि मेरे माँ बहन आप देखिए, चाहे वो रमज़ान रहिए या शादी के बाद से या बेटी रही है या बहू रही है या बीवी तक, हर चीज़ आपको हमेशा पका के देना, हमेशा आपके साथ जिंदगी घर के आप एक टाइम है जो हज मना क्योंकि आप अल्लाह के घर में हैं, अल्लाह सबका वहाँ एक चीज़ का अंदर सौभाग्य मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कहिए और खास हज गाइड से ताल्लुक से यहाँ पे भी बहुत से लोग कवर नंबर अगर अगर दे दिए हैं तो आप लोगों को हज गाइड्स मिलेंगी, या नहीं अगर आपको सहूलत के हिसाब से कभी भी आप घरों से गुजर रहे हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना कवर नंबर देकर हज गाइड ले लीजिए। और इससे अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ की अगर कोई चीज़ जैसा अगर आप कोई सुने थे दूसरा बार ये प्रॉब्लम हमारे को हुआ है तो ऐसी कोई चीज़ है तो आप मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे को शेयर कीजिए, क्योंकि हम भी अगर आने वाले अगर कोई ऐसी चीज़ अगर हम कोई चीज़ में कमी पेशी कर रहे हैं तो हमारे को भी मालूम होना है, हमारे स्टाफ को भी, हमारी कमेटी को भी, तो ये चीज़ में हमारे लिए हेल्प कर ऐसा हो जाता। लेकिन मैं खासकर आप लोगों से दुआ की गुजारिश करता हूँ, और ख़ासकर ऐसी चीज़ जैसा कि आप देखिए इतना ऐसे प्रोग्राम्स कर खासकर मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ, सैयद मिसबाहउद्दीन साहब का, मौलाना मन साहब का, मौलाना काजी अलीउद्दीन साहब का, और उनके पूरे साथियों का जितने कानी मंगलिस सैफुजा कमेटी जामतुल उलमा टोली चौकी का, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स रखकर
آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، خاص کر اپنے ہم یہ ہے کہ آپ کو صرف حج کے جتنے بھی چیزیں جیسے یہاں سے کیا لے کے جانا، کیسا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، ہماری کمیٹی کا کام وہی ہے، جتنے بھی ہے علماء ہیں آپ کے ساتھ ارکان دکھانے والے وہ لوگ ہی ہے، کیونکہ آپ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ محفل جتنا ہو سکے کیمپ جتنا ہو سکے اٹینڈ کیجیے، خاص کر اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، کیونکہ پھر ایسا ٹائم اپنے کو نہیں ملتا، کیوں اگر میں بھی اگر میرے بچے کو اگر بولنا ہو کہ ارکان ایسا ایسا کرنا ہے یا پھر میں اس کو کہیں بھیجوں کیمپ میں بھیجوں تو میں ایک والد ہوتے ہوئے میرے والد کو نہیں معلوم بولے سی بات آتی، تو لہٰذا آپ جتنا ہو سکے خاص کر ویٹنگ لسٹ والوں سے بھی ہو کریے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ پی ڈی او سے بھی جو جا رہے ہیں، جو پرائیویٹ سے بھی جا رہے ہیں، ویسے لوگوں سے بھی آپ گزارش کریے کہ آئیے ایسے کیمپس میں، یہ کیمپ حج کے لیے ہے، جتنے لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ سب کے لیے ہے، ایسا کوئی ویٹنگ والوں کے لیے نہیں ہے، ریگولر والوں کے لیے ریگولر کے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، میں آپ لوگوں سے دعا کی گزارش کرتا ہوں، خاص کر کیونکہ یہ واحد حکومت ہے جہاں پہ امن چین سکون دوسرے حکومتوں سے لیتے ہوئے آپ دیکھیے، یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جہاں آپ کو سکون اور چیز ہے، میں آپ لوگوں سے خاص کر دعا کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران، ہمارے سی ایم صاحب، ہمارے ڈپٹی سی ایم محمود علی صاحب کے لیے اور خاص کر امت کے پورے مسلمانوں کے لیے آپ دعا کیجیے، السلام علیکم۔